डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की पेरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की याचिका पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बारी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा कि जिस तरह से समय समय पर डेरा मुखी को पेरोल का लाभ दिया जा रहा है, क्या उसी तरह से दूसरे कैदियों को भी ये लाभ दिया जा रहा है या नहीं। डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि समय समय पर किन कैदियों को लगातार हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। राम रहीम को इसी साल जुलाई में 30 दिन की पैरोल मिली थी। उस दौरान भी वह रोहतक की सुनारिया जेल से निकलकर यूपी के बरनावा आश्रम में रहा था। पैरोल के दौरान उसे सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। उस समय राम रहीम के लिए सिरसा डेरे से खास तौर पर घोड़े और गाय बरनावा आश्रम पहुंच गए थे। आश्रम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद राम रहीम ने 15 अगस्त को अपने जन्मदिन के लिए पैरोल ली थी। इससे पहले उसे इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी।